हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट वन जूलॉजी पेपर वन के यूनिट थ्री के अंतर्गत चैप्टर टू में एस्केरिस के लाइफ साइकिल का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़, स्वागत करता हूँ। एस्केरिस के जीवन चक्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं इस तरह से हैं, एस्केरिस एंडोपैरासाइट होता है तथा यह मनुष्य के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एस्केरिस का जीवन चक्र मोनोजेनेटिक होता है, अर्थात इसे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि परजीवी को जीने के अवसर काफ़ी कम होते हैं, इसलिए जो मैच्योर फीमेल होती है वह प्रतिदिन लगभग 2 लाख फर्टिलाइज्ड एग, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, मनुष्य के इंटेस्टाइन में रिलीज किए जाते हैं और ये जाइगोट मानव मल के साथ शरीर के बाहर निकलते रहते हैं। जाइगोट में क्लीवेज स्पाइरल होता है और यह डिटर्मिनेट प्रकार का होता है। जाइगोट में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, जिसके फलस्वरूप लार्वा का निर्माण होता है। सेकेंड रेप्टिटाइड लार्वा, यह संक्रमणकारी होता है, जिसे हम इन्फेक्शियस फॉर्म कहते हैं, और इस इन्फेक्शियस फॉर्म के प्रवेश से मनुष्य संक्रमित हो जाता है। मनुष्य के एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचने के पश्चात लार्वा 2 चरणों में माइग्रेशन करता है, जिन्हें हम क्रमशः प्राइमरी माइग्रेशन और सेकेंडरी माइग्रेशन कहते हैं। प्राइमरी माइग्रेशन के अंतर्गत इंटेस्टाइन में पहुंचा हुआ लार्वा लीवर, हार्ट और लंग में प्रवेश कर जाता है, तो इंटेस्टाइन से अपनी यात्रा लीवर और हार्ट से शुरू करते हुए लंग्स में पहुंच जाना यह प्राइमरी माइग्रेशन कहलाता है। कुछ अंतराल के बाद लंग्स में विश्राम करने के पश्चात वह लार्वा लंग को छोड़ करके ट्रेकिया से होते हुए पुनः इंटेस्टाइन में वापस लौट आता है। लंग से वापस इंटेस्टाइन में प्रवास की प्रक्रिया यह सेकेंड माइग्रेशन कहलाता है। आइए हम एस्केरिस के जीवन चक्र में जो महत्वपूर्ण चरण हैं उनका अवलोकन करते हैं। पहला है कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, दूसरा जाइगोट फॉर्मेशन, तीसरा लिबरेशन ऑफ एग्स, एग्स को हम जाइगोट कहते हैं, चौथा कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, पांचवा क्लीवेज आर पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट, छठवा फर्स्ट रेप्टिलॉइड लार्वा, सातवां सेकेंड रेप्टिलॉइड लार्वा, आठवां इन्फेक्शन ऑफ ए न्यू होस्ट मैन, नौवां हैचिंग, दसवां माइग्रेशन, जिसके अंतर्गत हम प्राइमरी और सेकेंडरी माइग्रेशन का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर कॉपुलेशन, जाइगोट और लिबरेशन ऑफ एग, ये मनुष्य के शरीर के भीतर जीवन चक्र की संपन्न होने वाली अवस्थाएं होती हैं। इसी तरह से कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट में क्लीवेज, फर्स्ट रेप्टिलॉइड लार्वा का निर्माण और सेकेंड रेप्टिलॉइड लार्वा का निर्माण, यह मनुष्य के शरीर के बाहर नम भूमि पर या स्वायर पर संपन्न होने वाले जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं। तत्पश्चात इन्फेक्शन ऑफ न्यू होस्ट, होस्ट के शरीर के अंदर हैचिंग और माइग्रेशन, ये 3 अवस्थाएं पुनः नए होस्ट के शरीर के अंदर
संपन्न होने वाली अवस्थाएं होती हैं। आइए हम विस्तार से जीवन चक्र की महत्वपूर्ण अवस्थाओं का या चरणों का अध्ययन करते हैं। पहला है कॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। मनुष्य के इंटेस्टाइन में जो एडल्ट मेल और एडल्ट फीमेल एस्केरिस होती हैं वो मनुष्य के इंटेस्टाइन में प्रवास करके परस्पर एक ऐसा शारीरिक सामंजस्य बनाते हैं कि मेल एस्केरिस फीमेल एस्केरिस के राइट एंगल पर स्थिर हो जाता है। यह अवस्था निर्मित होने के पश्चात मेल एस्केरिस का क्लोइकल अपर्चर फीमेल एस्केरिस के गोनोपोर को फेस करता है, उसके सम्मुख आ जाता है। यह अवस्था निर्मित होने के उपरांत मेल अपने मेल गैमेट्स को फीमेल के गोनोपोर में रिलीज कर देता है। यह प्रक्रिया कॉपुलेशन कहलाती है। संक्षेप में यदि हम कहें कि ओरिएंटेशन ऑफ एडल्ट मेल एंड फीमेल एस्केरिस एंड ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, इट इज नोन एज कॉपुलेशन। नाउ गैमेट के ट्रांसफर के उपरांत फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया का हम अध्ययन करते हैं। फर्टिलाइजेशन को निषेचन कहते हैं। मेल गैमेट्स फीमेल एस्केरिस के यूटेरस से होते हुए उसके ओविडक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां पर उपस्थित फीमेल गैमेट जिसे ओहा कहते हैं उसके संपर्क में आकर के मेल गैमेट उसे फर्टिलाइज कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के समय पूरा का पूरा स्पर्म ओहम के भीतर प्रवेश कर जाता है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन फीमेल एस्केरिस के ओविडक्ट के भीतर होता है, शरीर के भीतर होता है, इसलिए इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के उपरांत जायगोट का निर्माण होता है। इस तरह ओहा जायगोट में विकसित हो जाती है या जायगोट में परिवर्तित हो जाती है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट न्यूक्लियस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियस का परस्पर मिलकर एक हो जाना, यही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहलाती है। और फर्टिलाइजेशन के उपरांत जायगोट का निर्माण होता है। सेकंड, जायगोट। फर्टिलाइजेशन के उपरांत जो जायगोट का निर्माण होता है उसके संदर्भ में हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के पहले ओवा जो कि फीमेल गैमेट है उसमें ग्लाइकोजन और फेट के ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। और फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हैं वो एग के चारों ओर व्यवस्थित होकर के हार्ड काइटिनस शेल का निर्माण करती हैं, तथा जो फैट के ग्रेन्यूल्स होते हैं वो शेल के ठीक नीचे व्यवस्थित होकर के इनर लिपॉइड लेयर का निर्माण करती हैं। इन दो लेयर्स के निर्माण के पश्चात अब वह एग या जायगोट यूटेरस की ओर बढ़ते हुए यूटेरस की जो दीवार होती है उसके द्वारा एक प्रोटीन तरल का सेक्रीशन किया जाता है जो एग या जायगोट के चारों ओर व्यवस्थित होकर के एकत्रित होकर के एक सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। और यह सुरक्षात्मक आवरण बाद में कड़ा होकर के सख्त हो जाता है। यह बाहरी आवरण केमिकल और लो टेम्परेचर के प्रति पूरी तरह से प्रतिरोधी या रेजिस्टेंट होता है। आइए जायगोट की संरचना के संदर्भ में हम देखें। जायगोट की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस तरह से होती हैं। जायगोट माइक्रोस्कोपिक होता है और ये डस्ट के पार्टिकल के समान होता है। जायगोट का आकार ओवल होता है। इसका रंग येलो या ब्राउन होता है तथा इसकी साइज यदि मेजर करें तो इसकी लंबाई 45 से लेकर के 75 म्यू या माइक्रोन
होती है तथा इसकी चौड़ाई 35 से 50 माइक्रोन होती है। इस जाइगोट के सबसे बाहर की ओर यूटेरस के द्वारा जो प्रोटीन का स्राव किया जाता है वह सूख करके सख्त हो जाती है, कड़ी हो जाती है और सुरक्षात्मक आवरण के रूप में बदल जाती है। यह प्रोटीन की लेयर मैमिलेटेड होती है, अर्थात बाहर की सतह पर जो प्रोटीन है उसमें बहुत सारे इरेगुलर उभार होते हैं और इन्हीं उभारों को हम मैमिलेशन कहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि एक जाइगोट में भीतर की ओर एक जाइगोट सेल होती है और यह जाइगोट सेल इनर लिपॉइड लेयर के द्वारा सुरक्षित होती है। लिपॉइड लेयर के बाहर की सतह पर कड़ी शेल होती है जिसे हम मिडिल शेल कहते हैं और सबसे बाहर की ओर प्रोटीन की हार्ड मैमिलेटेड लेयर होती है। यह संरचना होती है जाइगोट की। थर्ड, लिबरेशन ऑफ एग या जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के पश्चात जो जाइगोट का निर्माण हुआ है वह धीरे धीरे यूटेरस से आगे की ओर बढ़ते हुए फीमेल के गोनोपोर से बाहर होस्ट के शरीर के, होस्ट कौन सा है, मनुष्य, मनुष्य के इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और मानव मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। एक मैच्योर फीमेल प्रतिदिन लगभग 2 लाख जाइगोट या अंडे देती हैं और ये अंडे मानव मल के साथ अपचित भोजन के साथ मिल करके वो उसके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। अंडे चूंकि विशेष रूप से प्रतिरोधी होते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी नम भूमि पर कई वर्षों तक वो जीवित बने रहते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य के शरीर के भीतर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई, जाइगोट का निर्माण हुआ और वो जाइगोट एस्केरिस के शरीर से बाहर मनुष्य के इंटेस्टाइन में रिलीज हो गए, जहां से वो इंटेस्टाइन में बिना किसी परिवर्तन और प्रभाव के मानव मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह ये कैप्सूल या जाइगोट या एग ये मनुष्य के शरीर के बाहर आकर के सॉइल पे चले जाते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सी जगहों पर अभी भी ओपन डेफिकेशन होता है, खुले शौच की व्यवस्था अभी भी कई स्थानों पर है और यदि संक्रमित व्यक्ति ऐसे खुले स्थानों पर शौच करता है तो उसके मल के साथ ये जो जाइगोट या एग होते हैं वो भूमि पर या ज़मीन पर आ जाते हैं और ज़मीन पर वो लंबे समय तक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। आइए अब हम देखें कि सॉइल में पड़े हुए इन एग्स में विकास के लिए किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। नम भूमि पर पड़े हुए जाइगोट को अनुकूल तापमान और नमी जैसी परिस्थितियां प्राप्त होने पर उसमें क्लीवेज या डेवलपमेंट की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और अभी तक जो एग या जाइगोट असंक्रमणकारी था वह क्लीवेज की प्रक्रिया से गुजरते हुए संक्रमणकारी या इन्फेक्शियस अवस्था में विकसित हो जाते हैं। जाइगोट को विकास के लिए जिस तापमान की आवश्यकता होती है वो इस तरह से है। यदि जाइगोट को 29.5 डिग्री टेम्परेचर सॉइल में उपलब्ध होता है तो यह उसके डेवलपमेंट के लिए बेस्ट होता है। तापमान यदि 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तो ऐसे कम तापमान पर जाइगोट के भीतर क्लीवेज या डेवलपमेंट की प्रक्रिया स्थगित हो जाती है, रुक जाती है। और इसी तरह से यदि तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे अधिक हो जाता है तो कैप्सूल या एग पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं, वो मृत हो जाते हैं। चूंकि सॉइल में सामान्य तौर पर जो तापमान होता है यह 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है जो जाइगोट के भीतर विकास के लिए सर्वथा अनुकूल होता है।
फिफ्थ, क्लीवेज आर पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट, सॉयल में पड़े हुए एग को यदि अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं तब उनमें क्लीवेज की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और इसी प्रक्रिया को हम पोस्ट जाइगोटिक डेवलपमेंट कहते हैं। जाइगोट में सेगमेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं इस तरह से हैं, पहला, जो क्लीवेज है वह होलोब्लास्टिक होता है। होलोब्लास्टिक का आशय कि जो जाइगोट सेल है वह पूरी तरह से विभाजित होती है। जैसे हम मान लें ये एक जाइगोट सेल है, तो यह जाइगोट सेल जब विभाजित होगी तो पूरी तरह से दो सेल में विभाजित हो जाती है। इस तरह के विभाजन को होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहा जाता है। दूसरा, जो क्लीवेज है सेल का जो डिवीज़न है वो इक्वल होता है, अर्थात बनने वाली जो कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं रचना में, आकार में पूरी तरह से आइडेंटिकल होती हैं। थर्ड, क्लीवेज डिटर्मिनेट होता है, अर्थात प्रत्येक कोशिकाओं से बनने वाली शारीरिक संरचनाओं की जानकारी पूर्व से ही प्राप्त की जा सकती है। तो इस तरह के क्लीवेज को डिटर्मिनेट क्लीवेज कहा जाता है। फोर्थ, क्लीवेज स्पाइरल होता है। स्पाइरल का आशय यह है कि जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो उनका जो डिवाइडिंग लाइन है या प्लेन या एक्सिस है वह डिफरेंट होता है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक जाइगोट सेल है, इसमें यह विभाजन अनुप्रस्थ हुआ और इन अनुप्रस्थ विभाजन के उपरांत दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ। उसके पश्चात यदि अगले क्रम में जो विभाजन है वो दोनों कोशिकाओं में अलग अलग अक्ष पर हो तब उसे हम स्पाइरल क्लीवेज कहेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि ऊपर बनी कोशिका में विभाजन ये लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल हो रहा है और नीचे की कोशिका में विभाजन अनुप्रस्थ हो रहा है तो विभाजन की जो एक्सिस है ये डिफरेंट है और इस तरह के क्लीवेज को हम स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं। ये चार महत्वपूर्ण विशेषताएं क्लीवेज की होती हैं। आइए अब हम क्लीवेज का विस्तार से अध्ययन करते हैं। एस्केरिस या दूसरे नेमेटोड्स में भी जाइगोट में क्लीवेज की प्रक्रिया जटिल होती है। चूंकि यह डिटर्मिनेटेड प्रकार की होती है इसलिए बनने वाली कोशिकाओं का नामकरण किया जाता है और वो कोशिकाएं लार्वा के शरीर के किस भाग का निर्माण करेंगी यह सुनिश्चित हो जाता है। संक्षेप में पहले मैं इस विभाजन की प्रक्रिया को आपको समझाता हूँ। जाइगोट में जो पहला विभाजन होता है यह ट्रांसवर्स होता है जिसके कारण दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें से एक कोशिका डॉर्सल साइड पर होती है उसे सेल ए बी कहा जाता है और दूसरी कोशिका जो वेंट्रल साइड पर होती है उसे सेल पी वन कहा जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जाइगोट में विभाजन के उपरांत एक कोशिका ऊपर की ओर बनी, यह कोशिका डॉर्सल ए बी सेल है और दूसरी वेंट्रल साइड पर बनी है यह कोशिका पी वन होती है। इसके उपरांत सेकेंड डिवीज़न ये दोनों कोशिकाओं में अलग अलग प्लेन पर होता है। सेल ए बी में जो विभाजन होता है यह वर्टिकल होता है जिसके फलस्वरूप साइड बाय साइड कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिनमें से शरीर के अगले भाग को निर्मित करने वाली कोशिकाओं को सेल ए बी ए कहा जाता है और पीछे की ओर की जो कोशिका होती है उसे सेल बी कहा जाता है। इसी सेकेंड डिवीजन के समय ही जो सेल पी वन है उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर बनती हैं। इन कोशिकाओं को क्रमशः जो ऊपर होती हैं इसे सेल ई एम एस टी कहा जाता है और नीचे जो कोशिका होती है इसे पी टू कहा जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं ये साइड बाय साइड दो कोशिकाएं हैं, तो एंटीरियर ये ए सेल, पोस्टीरियर ये बी सेल कहलाती है और पी वन सेल
यह विभाजित होकर के सेल EMST बनाती है और नीचे की ओर वह P2 कोशिका बनाती है। इस स्टेज में जो एम्ब्रियो है वो चार कोशिकाओं से युक्त होता है, इसलिए इसे फोर सेल स्टेज कहा जाता है। जब फोर सेल स्टेज विकसित हो जाती है तो एक प्रक्रिया होती है जिसे हम ओरिएंटेशन कहते हैं। तो फोर सेल स्टेज में जो एम्ब्रियो है वो टी के आकार का दिखाई देता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इसका आकार ये टी सदृश दिखाई दे रहा है। इस अवस्था के बाद इस टी शेप्ड एम्ब्रियो में ओरिएंटेशन की प्रक्रिया होती है। ओरिएंटेशन का आशय यह है कि कोशिकाएं अपना स्थान बदल करके दूसरे स्थान पर स्थित हो जाती हैं। यहाँ पर जो सेल P2 है जो EMST के नीचे स्थित थी वह बाईं ओर सरक जाती है और सरक करके इस जगह पर EMST के ठीक साइड पर स्थित हो जाती है, जिसके कारण से एक रोम्बॉइडल स्ट्रक्चर या शेप दिखाई देता है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में भी सामने की ओर सेल A, पीछे की ओर सेल B तथा A के नीचे सेल EMST और सेल B के नीचे सेल P2 ओरिएंट हो जाती है और इसके फलस्वरूप रोम्बॉइड शेप निर्मित होता है। थर्ड स्टेज या थर्ड जो डिवीजन होता है ये डिवीजन अलग अलग कोशिकाओं पर होगा। ध्यान दें कि जो सेल A और B हैं ये कोशिकाएं विभाजित होकर के क्रमशः सेल A1 और A2 बनाती हैं, जबकि सेल B विभाजित होकर के सेल B1 और B2 बनाती हैं। इसी दरमियान जो सेल P1 है यह विभाजित होकर के EMS2 और P2 पर बनी रहती है। तो यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि वास्तविक रूप से जो विभाजन होता है ये सेल A और B पर होता है, लेकिन सेल P1 जो पहले से ही EMS2 और P2 पर विभाजित थी इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। इस तरह हम देखते हैं कि कुल सेल्स की संख्या 6 हो जाती है, अर्थात A1 A2 B1 B2 EMST और P2। इस अवस्था पर हम एम्ब्रियो को सिक्स सेल स्टेज कहते हैं। इस तीसरे विभाजन के उपरांत जो फोर्थ डिवीजन होता है उसमें अब सेल EMST इसका ही विभाजन होता है। सेल A1 A2 B1 B2 इसमें किसी तरह का विभाजन नहीं होता है। इस तरह सेल EMST यह सेल E और सेल MST में विभाजित हो जाती है और जो सेल P2 है यह विभाजित होकर के सेल P3 और सेल C बनाती है। फोर्थ डिवीजन में जो सेल E है वह E1 और E2 में बदल जाती है तथा सेल P3 यह P4 और D में बदल जाती है। और जो फाइनल डिवीजन होता है तो सेल P4 यह सेल G1 और G2 में बदल जाता है। तो ये एक समरी हुई, मैं इसे विस्तार से अगले स्लाइड में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जाइगोट सेल है। इस जाइगोट सेल में पहला विभाजन हुआ तो उसके कारण से सेल AB और सेल P1 बने। सेल AB में विभाजन के उपरांत सेल A और सेल B बना और अगले विभाजन में यह सेल A क्रमशः सेल A1 और A2 में विभाजित हुई और सेल B B1 और B2 पे विभाजित हुई। सेल P1 यह P2 और EMST सेल में विभाजित होती है, जहां सेल EMST अगले विभाजन में सेल E और MST में विभाजित होती है और अंत में सेल E यह E1 और E2 में विभाजित होती है। इसी दरमियान जो सेल P2 है वो सेल P3 और सेल C में डिवाइड होती है तथा यह P3 पुनः सेल D और P4 में विभाजित होती है और अंत में सेल P4 क्रमशः सेल G1 और सेल G2 में विभाजित होती है। तो चूंकि यहाँ पर विभाजन के समय प्रत्येक कोशिका का
एक नाम होता है और यह नाम इसलिए है कि वह आगे चल करके लार्वा के शरीर के किन भागों को विकसित करने जा रहे हैं। तो यदि हम इनके फ्यूचर को हम देखें कि ये कोशिकाएं भविष्य में लार्वा के शरीर के किन अंगों का निर्माण करने जा रही हैं, किन भागों का निर्माण करने जा रही हैं, वो इस तरह से हैं और इसे ही हम कहते हैं फ्यूचर ऑफ द सेल। सेल ए और बी ये लार्वा के एक्टोडर्म का निर्माण करती हैं, सेल एम एस टी ये मीजोडर्म और फोरगट की एंडोडर्म का निर्माण करती हैं, सेल ई वन और ई टू ये एंडोडर्म का निर्माण करती हैं, सेल जी वन जी टू ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल का निर्माण करती हैं जिनसे आगे चल करके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, और सेल सी और डी ये एक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों का संयुक्त रूप से विकास करते हैं। तो ये फ्यूचर ऑफ द सेल्स हैं। आइए अब हम विस्तार से क्लीवेज की उन्हीं प्रक्रियाओं को यहाँ पर समझते हैं। ये एग या जाइगोट है और हमने देखा कि जाइगोट ये सॉइल में पड़ा हुआ है, इसके सबसे बाहर की ओर प्रोटीन की लेयर है, मध्य में काइटिन शेल की लेयर है और भीतर की ओर लिपॉइड लेयर है। इन तीन स्तरों से सुरक्षित भीतर की ओर जाइगोट सेल उपस्थित है। तो इसी जाइगोट सेल में क्लीवेज की प्रक्रिया किस तरह से होती है उसे हम देखते हैं। ये जाइगोट सेल है, जाइगोट सेल में पहला विभाजन अनुप्रस्थ होता है और इस अनुप्रस्थ विभाजन के कारण से डॉर्सल साइड पर और वेंट्रल साइड पर कोशिकाएं बनती हैं। डॉर्सल सेल इसे ए बी सेल कहा जाता है जबकि वेंट्रल सेल को सेल पी वन कहा जाता है और इस समय एम्ब्रियो को टू सेल स्टेज कहा जाता है। शीघ्र ही इस टू सेल स्टेज में पुनः क्लीवेज की प्रक्रिया होती है जिसमें सेल ए बी में वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है जबकि सेल पी वन में अनुप्रस्थ या हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है। सेल ए बी में वर्टिकल डिवीजन के कारण से जो दो कोशिकाएं बनती हैं उनमें से सामने की कोशिका को सेल ए और पीछे की कोशिका को सेल बी कहा जाता है। इसी तरह सेल पी वन हॉरिजॉन्टल डिवीजन के कारण से जो अपर सेल बनाती है उसे ई एम एस टी कहा जाता है और लोअर सेल को सेल पी टू कहा जाता है। इस अवस्था में चूंकि चार सेल हैं इसलिए एम्ब्रियो को फोर सेल स्टेज कहा जाता है। इसके तुरंत बाद ओरिएंटेशन की प्रक्रिया होती है जिसमें सेल पी टू ये शिफ्ट हो जाता है ई एम एस टी के साइड पर अर्थात सेल बी के ठीक नीचे और ये अवस्था दिखाई देती है। यहाँ पर यदि हम आकार के अनुरूप देखें तो फोर सेल स्टेज का जो शेप होता है वो टी के आकार का दिखाई देता है जबकि ओरिएंटेशन के बाद इसी का आकार बदल करके ये रोम्बॉइडल हो जाता है। रोम्बॉइडल अवस्था निर्मित करने के पश्चात अब इसमें सेल ए और बी में ही क्लीवेज होगा जिसके फलस्वरूप सेल बी क्रमशः सेल बी वन और बी टू में विभाजित होगी तथा सेल ए यह ए वन और ए टू में विभाजित होती है। ई एम एस टी और पी टू में कोई विभाजन अभी नहीं होता है और इसलिए इस अवस्था में कुल कोशिकाओं की संख्या 6 हो जाती है और एम्ब्रियो को 6 सेल स्टेज कहा जाता है। इस विभाजन के बाद अब सेल ई एम एस टी और पी टू में विभाजन होगा, ए वन ए टू बी वन बी टू इसमें किसी तरह का विभाजन नहीं होता है। तो सेल एम एस टी ये दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है जिनमें से सामने की ओर की कोशिका यह ई एम एस टी कहलाती है और दूसरी कोशिका यह सेल ई कहलाती है। इसी तरह सेल पी टू यह विभाजित होकर के सेल थ्री सेल सी बनाती है। यहाँ ध्यान देंगे सेल पी टू में विभाजन होगा तो ये कहलाएगी पी थ्री और सेल सी। तो कुल कोशिकाओं की संख्या यहाँ पर 8 हो जाती है
और इसलिए इसे 8 सेल स्टेज कहा जाता है। इसके पश्चात जो क्लीवेज की प्रक्रिया होती है वो फास्ट हो जाती है, तेज हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं एक पर्त में व्यवस्थित हो जाती हैं और इन कोशिकाओं के भीतर एक खाली जगह निर्मित हो जाती है और इस रिक्त स्थान को ब्लास्टोसील कहा जाता है। ब्लास्टोसील की मौजूदगी पर एम्ब्रियो को इस अवस्था में ब्लास्टुला कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कोशिकाएं एक क्रम में एक पर्त में व्यवस्थित हैं और जिनमें साफ तौर पे हम कोशिका E1 E2 को देख सकते हैं और इसी तरह से सेल P4 को देख सकते हैं तथा D और C कोशिकाएं भी हमें दिखाई देती हैं। तो इतनी सारी कोशिकाओं से घिरी हुई एक सेंट्रल कैविटी ब्लास्टोसील यहाँ पर उपस्थित होती है और इस अवस्था में एम्ब्रियो को ब्लास्टुला स्टेज कहा जाता है। ब्लास्टुला में गेस्टुलेशन की प्रक्रिया होती है और गेस्टुलेशन का आशय ये होता है कि कोशिकाएं ब्लास्टोसील में भीतर की ओर धंसने लगती हैं। तो ये कोशिका हम देख रहे हैं कि जो बाहर की सतह पर थी ये धीरे धीरे भीतर की ओर धंस रही हैं और धंसने के कारण से ब्लास्टोसील के भीतर एक नई कैविटी का विकास या निर्माण हो रहा है और इस कैविटी को कहा जाता है आर्केंटेरॉन। और यह आर्केंटेरॉन एक छोटे से ओपनिंग के द्वारा बाहर संबंधित होता है और यह ओपनिंग कहलाती है स्टोमोडियम। इस अवस्था पर हम देख रहे हैं कि यह एम्ब्रियो डबल लेयर्ड होने जा रहा है। यह बाहर की ओर एक परत दिखाई दे रही है और भीतर की ओर एक दूसरी परत निर्मित हो रही है और हम यह भी देख रहे हैं कि जो एंडोडर्म की कोशिकाएं हैं ये पूरी तरह से ब्लास्टोसील के भीतर शिफ्ट कर गई हैं तथा जो सेल G1 और G2 हैं ये भी इनके ब्लास्टोसील के अंदर स्थित हो गई हैं। इस अवस्था में चूंकि इनवेजिनेशन की प्रक्रिया के उपरांत आर्केंटेरॉन का निर्माण हो रहा है और स्टोमोडियम भी उपस्थित है इसलिए यह अवस्था गेस्टुला अवस्था कहलाती है और इस प्रक्रिया को गेस्टुलेशन कहा जाता है। गेस्टुला निर्मित होने के पश्चात अब सेल के भीतर पहला लार्वा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। यह लार्वा माइक्रोस्कोपिक होता है, आकार में काफी छोटा होता है और विकास के उपरांत बने इस पहले लार्वा को कहा जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ रेब्डिटॉइड लार्वा। इसे हम फर्स्ट रेब्डिटॉइड लार्वा भी कह सकते हैं। यह फर्स्ट रेब्डिटॉइड लार्वा नॉन इन्फेक्शियस होता है, अर्थात यदि किन्हीं भी कारणों से यह फर्स्ट रेब्डिटॉइड लार्वा युक्त एग या कैप्सूल मनुष्य के आहार नाल में पहुंच जाता है तो वहां पर इसका विकास नहीं होता है, मनुष्य को यह संक्रमित नहीं कर सकता है, लेकिन सॉयल में पड़े हुए शीघ्र ही इस कैप्सूल के भीतर जो फर्स्ट रेब्डिटॉइड लार्वा है उसमें पहली मोल्टिंग होती है। यहाँ पर फर्स्ट मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग का आशय यह है कि वह अपने शारीरिक संरचनाओं में थोड़ी तब्दीली और एडवांसमेंट लाता है, इसी को हम मोल्टिंग कहते हैं। स्नेक में भी आपने देखा होगा कि वो एक निश्चित अंतराल के बाद अपने शरीर की बाहरी त्वचा को निकाल करके अलग कर देते हैं, उसी को हम कैचुली बदलना कहते हैं। तो वह भी एक तरह की मोल्टिंग की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट रेब्डिटॉइड लार्वा पहली मोल्टिंग की प्रक्रिया से गुजरता है और उसके उपरांत वह सेकेंड स्टेज रेब्डिटॉइड लार्वा में बदल जाता है। इसे हम सेकेंड रेब्डिटॉइड लार्वा भी कहते हैं। तो यह जो सेकेंड रेब्डिटॉइड लार्वा युक्त कैप्सूल है यह संक्रमणकारी होता है और यदि किन्हीं भी कारणों से यह मनुष्य के इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाता है या पहुंच जाता है तो वह मनुष्य संक्रमित हो जाता है। इसलिए यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि जाइगोट के भीतर कैप्सूल के भीतर जो सेकेंड रेब्डिटॉइड लार्वा विकसित हुआ है यही अवस्था संक्रमणकारी है। ये क्लीवेज और सॉयल में क्लीवेज के उपरांत
सेकेंड रेब्डिटॉइड लार्वा के निर्माण की प्रक्रिया हुई। आइए आगे हम देखें। फर्स्ट रेब्डिटॉइड लार्वा, इसकी संरचना के बारे में हम देखें। क्लीवेज के उपरांत लगभग 10 से 14 दिनों में एग के भीतर जो पहला माइक्रोस्कोपिक लार्वा या जुवेनाइल विकसित होता है उसे हम फर्स्ट स्टेज रेब्डिटॉइड लार्वा या फर्स्ट रेब्डिटॉइड लार्वा कहते हैं। इस फर्स्ट रेब्डिटॉइड लार्वा की कुछ संरचनात्मक विशेषताएं होती हैं। पहला कि इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वह पूरी तरह से विकसित होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम विकसित होता है और नर्वस सिस्टम ये नर्व रिंग के रूप में विकसित हो जाता है। जैसा कि हमने कहा कि फर्स्ट रेब्डिटॉइड लार्वा ये असंक्रमणकारी होता है, नॉन इन्फेक्शियस होता है। तो इस चित्र में हम एग के भीतर विकसित फर्स्ट रेब्डिटॉइड लार्वा को देख सकते हैं। फर्स्ट रेब्डिटॉइड लार्वा के पश्चात अगली अवस्था जो एग के अंदर विकसित होती है वह सेकेंड रेब्डिटॉइड लार्वा अवस्था कहलाती है। तो एग के भीतर ही रहते हुए फर्स्ट स्टेज रेब्डिटॉइड लार्वा मॉल्टिंग के द्वारा सेकेंड रेब्डिटॉइड लार्वा में बदल जाता है और सेकेंड रेब्डिटॉइड लार्वा यह संक्रमणकारी या इन्फेक्शियस होता है। यहां ध्यान दें कि जो एग के भीतर सेकेंड स्टेज रेब्डिटॉइड लार्वा विकसित हुआ है उसे अब आगामी विकास के लिए सॉयल की अपेक्षा अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और मनुष्य के शरीर का तापमान उसके विकास के लिए बेहतर होता है, अनुकूल होता है। इसलिए यदि किसी भी माध्यम से जो सेकेंड स्टेज रेब्डिटॉइड लार्वा युक्त एग है वह नए मनुष्य के इंटेस्टाइन में यदि पहुंच जाता है तब ही एस्केरिस का जीवन चक्र आगे बढ़ता है। इसके लिए वह जमीन पर पड़े रहकर लंबे समय तक प्रतीक्षा भी कर सकता है और इस दशा पे वह जीवित भी रह सकता है। नेक्स्ट, सेकेंड रेब्डिटॉइड लार्वा युक्त एग का मनुष्य के आहार नली में पहुंचने की प्रक्रिया को हम संक्रमण कहते हैं और यह है इन्फेक्शन ऑफ ए न्यू होस्ट में, नए पोषक अर्थात मनुष्य में संक्रमण। सेकेंड स्टेज रेब्डिटॉइड लार्वा युक्त जो एग है वो बिना इंटरमीडिएट होस्ट या सेकेंडरी होस्ट के सीधे सीधे मनुष्य के इंटेस्टाइन में पहुंच सकते हैं और पहुंचने की जो विधियां होती हैं वो बहुत सरल और स्वाभाविक होती हैं। ये विधियां इस तरह से हैं। पहला है कंटिमिनेटेड फूड, अर्थात यदि संक्रमित भोजन का प्रयोग किया जाता है तो उस संक्रमित भोजन में यदि कैप्सूल या एग जिसके अंदर सेकेंड रेब्डिटॉइड अवस्था विकसित है मनुष्य के आहार नाल में या इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है तो वह मनुष्य संक्रमित हो जाता है। दूसरा, कंटिमिनेटेड रॉ वेजिटेबल्स लाइक रूट, लीव्स, फ्रूट्स इत्यादि। संक्रमित फल, सब्जियां आदि का सेवन करने से भी ये मनुष्य के आहार नली के भीतर पहुंचकर उसे संक्रमित कर देते हैं। तीसरा, कंटिमिनेटेड ड्रिंक्स, संक्रमित पेय पदार्थों का उपयोग करने से भी ये कैप्सूल मनुष्य के इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाते हैं। बाइटिंग ऑफ नेल, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो दांतों से नाखून को काटते रहते हैं, इसको हम कहते हैं बाइटिंग ऑफ नेल। तो नेल के नीचे की सतह पर जो जगह होती वहां पर भी कैप्सूल आ सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं और यदि नेल्स को दांत से काटा जाएगा तो ये कैप्सूल कहाँ, मनुष्य के माउथ में प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह वह व्यक्ति या मनुष्य संक्रमित हो जाता है। और पुअर सैनिटेशन, जहां पर स्वच्छता की कमी है ऐसी जगहों पर भी संक्रमण स्वाभाविक तौर पर हो सकता है। तो यदि उपरोक्त किसी भी तरीके से सेकेंड रेब्डिटॉइड लार्वा युक्त एग मनुष्य के इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाता है तो प्रवेश के साथ ही वह मनुष्य संक्रमित हो जाता है।
नेक्स्ट हैचिंग, एक मनुष्य के इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रक्रिया के कारण से उत्तेजना होती है और उस अवस्था में एग से सेकेंड डेब्यूटार्ड लार्वा है वो बाहर इंटेस्टाइन में निकलकर स्वतंत्र हो जाता है। तो सेकेंड स्टेज रेब्रिटाइड लार्वा युक्त एग मनुष्य के इंटेस्टाइन में पहुंचने के पश्चात इंटेस्टिनल डाइजेस्टिव एंजाइम्स की क्रिया से वो एक्टिव हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होने के पश्चात वह सक्रिय गति के द्वारा शेल को या अंडे के आवरण को तोड़ करके वो बाहर निकलकर मनुष्य के इंटेस्टाइन में स्वतंत्र हो जाता है। तो जब यह लार्वा मनुष्य के इंटेस्टाइन में स्वतंत्र होता है तो उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, रचनात्मक विशेषताएं होती हैं। ये विशेषताएं इस तरह से हैं कि उसमें एलिमेंट्री कैनाल के सारे भाग विकसित होते हैं, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इस इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे भाग विकसित होते हैं। दूसरा, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वह पूर्ण विकसित हो जाता है और साथ ही साथ एक्सक्रीटरी अपर्चर या एक्सक्रीटरी पोर भी विकसित हो जाता है। नर्व रिंग यह और ज़्यादा विकसित हो जाती है। साथ ही साथ इस लार्वा की जो साइज होती है वह बढ़ करके 0.2 से 0.3 मिलीमीटर हो जाती है और इसका जो रेडियस या इसका जो व्यास होता है, चौड़ाई होती है, वो 13 से 15 म्यू तक होती है। तो यदि इस हैच किए करके बाहर आए हुए सेकेंड रेब्रिटार्ड लार्वा की अन्य शारीरिक संरचनाएं देखें तो ये पाते हैं कि एक एस्केरिस की तरह इसमें सभी अंग विकसित होते हैं, लेकिन अभी इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का विकास नहीं हुआ होता है, अर्थात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अविकसित होते हैं। तो ये एग है और यह एग पहुंच गया है मनुष्य के इंटेस्टाइन में, जहां डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रक्रिया के कारण से यह उत्तेजित होकर के शेल को सुराख करते हुए वह उससे बाहर निकल आता है। तो उस एग से बाहर आने की इसी प्रक्रिया को हैचिंग कहा जाता है और हैचिंग के उपरांत जो लार्वा इंटेस्टाइन में स्वतंत्र हो रहा है, यह लार्वा इस तरह से दिखाई देता है कि उसमें सारे अंग विकसित होते हैं एक्सेप्ट दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो यह जो स्वतंत्र हुआ लार्वा है यह कौन सा है? सेकेंड रेब्रिटार्ड लार्वा। यहां ध्यान देंगे कि सेकेंड रेब्रिटार्ड लार्वा हैचिंग के उपरांत मनुष्य के इंटेस्टाइन में स्वतंत्र हो चुका है। माइग्रेशन ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंटेस्टाइन में हैच करके बाहर स्वतंत्र होने के बाद लार्वा को विकास के लिए माइग्रेशन की प्रक्रिया से गुजरना होता है और माइग्रेशन 10 दिनों का होता है। तो मनुष्य के इंटेस्टाइन में स्वतंत्र होने के बाद जो सेकेंड रेब्रिटार्ड लार्वा है वह माइग्रेशन प्रारंभ करता है और यह माइग्रेशन 2 चरणों में होता है और इसकी कुल अवधि लगभग 10 दिनों की होती है। पहले चरण का माइग्रेशन यह प्राइमरी माइग्रेशन कहलाता है, जिसमें वह इंटेस्टाइन की दीवारों से होते हुए लंग्स तक पहुंच जाता है, यह प्राइमरी माइग्रेशन है। और सेकेंडरी माइग्रेशन वह लंग से वापस इंटेस्टाइन पर लौट आता है, यह सेकेंडरी माइग्रेशन है। आइए प्राइमरी और सेकेंडरी माइग्रेशन का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। प्राइमरी माइग्रेशन चूंकि इंटेस्टाइन के बाहर की दिशा पर हो रहा है इसलिए इसे एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल माइग्रेशन भी कहा जाता है। अतः लार्वा, सेकेंड रेब्रिटार्ड लार्वा इंटेस्टाइन की दीवारों को छेद करके हिपेटिक पोर्टल वेन से होते हुए वह लीवर में पहुंच जाता है और लीवर में रहने के पश्चात वह लीवर से हार्ट को जाने वाली जो पोस्ट केवल वेन है उससे होते हुए रक्त से के साथ होते हुए वह मनुष्य के हार्ट में पहुंच जाता है। और हमें मालूम है कि हार्ट से इम्प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए
पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ों में या लंग्स में भेजा जाता है। तो हार्ट में उपस्थित जो लार्वा है वह लार्वा अब पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो लंग्स में पहुंच जाता है और लंग्स की दीवारों पर जो छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलस कहते हैं वहां जाकर के वो रुक जाते हैं और इस स्थान पर वो लगभग 6 दिनों तक विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद उसमें सेकेंड मॉल्टिंग की प्रक्रिया होती है। ध्यान दीजिएगा, पहली मॉल्टिंग तो सॉइल में पड़े हुए हुई थी और सेकेंड मॉल्टिंग ये मनुष्य के लंग्स में प्रवास के दरमियान पहुंचने के उपरांत होती है। तो सेकेंड रेब्डिटाइड लार्वा में जब सेकेंड मॉल्टिंग होती है तब वह थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा में बदल जाता है। 4 दिनों के पश्चात इस थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा में पुनः थर्ड मॉल्टिंग की प्रक्रिया होती है और इस थर्ड मॉल्टिंग के उपरांत वह फोर्थ स्टेज ऑफ लार्वा में बदल जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो सेकेंड मॉल्टिंग है और थर्ड मॉल्टिंग है ये दोनों लंग्स में होते हैं और जब थर्ड मॉल्टिंग होती है और लार्वा फोर्थ स्टेज में बदल जाता है तब इसकी लंबाई बढ़ करके 2 से 3 मिलीमीटर हो जाती है। तो इस तरह वह इंटेस्टाइन से होकर के लंग्स में प्रवेश कर जाता है जहां पर वह सेकेंड और थर्ड मॉल्टिंग को पूरा करता है। तो इस प्रवास को प्राइमरी माइग्रेशन कहते हैं और प्राइमरी माइग्रेशन की प्रक्रिया मॉल्टिंग के साथ ही पूर्ण हो जाती है। तो इंटेस्टाइन से लीवर में प्रवेश करना, लीवर से हार्ट में प्रवेश करना और हार्ट से लंग में प्रवेश करना यही प्राइमरी माइग्रेशन कहलाता है। आइए सेकेंडरी माइग्रेशन हम देखते हैं। तो सेकेंडरी माइग्रेशन में लंग्स में जो थर्ड मॉल्टिंग के उपरांत फोर्थ लार्वा विकसित हुआ है अब वह लंग्स के पॉकेट्स को या एल्वियोलस को छोड़ करके श्वास नली की ट्रेकिया से होते हुए फेरिंग्स में पहुंचता है। यहां पर ध्यान देंगे कि जब वो फेफड़ों से होकर के ट्रेकिया में प्रवेश करता है तो ट्रेकिया की दीवारों को वो इरिटेट करता है, खरोचता है और खरोचने के कारण से खांसी आती है, कफिंग होती है और खांसने के साथ ही साथ ये जो लार्वा होता है वो बलगम के साथ में फेरिंग्स में पहुंच जाता है और यदि इस बलगम को निगल लिया जाता है तो बलगम के साथ यह लार्वा उस मनुष्य के आहार नाल में या इंटेस्टाइन में पुनः पहुंच जाता है और जब इंटेस्टाइन में यह पहुंच जाता है वापस लौट जाता है तब इसमें फोर्थ मॉल्टिंग होती है। ठीक है, और इसी फोर्थ मॉल्टिंग को हम फाइनल मॉल्टिंग भी कहते हैं। तो फोर्थ लार्वल स्टेज में फोर्थ मॉल्टिंग या फाइनल मॉल्टिंग होती है जिसके कारण से वह वयस्क में बदल जाता है, एडल्ट में बदल जाता है और इस तरह सेकेंडरी माइग्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो लंग्स से वापस इंटेस्टाइन में लौटने की प्रक्रिया या प्रवास को सेकेंडरी माइग्रेशन कहा जाता है। तो सेकेंडरी माइग्रेशन में हमने देखा कि लंग्स की एविलाई को छोड़ करके वो ट्रेकिया और ट्रेकिया से होकर वापस इंटेस्टाइन पे पहुंच जाते हैं और इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद लगभग 8 से 10 सप्ताह में जो एडल्ट होते हैं वो सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त कर लेते हैं अर्थात उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विकसित हो जाते हैं और वो रिप्रोडक्शन आरंभ कर देता है और इस तरह इनका जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। एक माइग्रेशन के बारे में हम आपसे और चर्चा करना चाहेंगे जिसे हम कहते हैं एबरेंट माइग्रेशन। कभी कभी लार्वा निर्धारित मार्ग को छोड़ करके, निर्धारित मार्ग से आशय क्या है कि वो इंटेस्टाइन से लंग्स की ओर एक निर्धारित मार्ग से जाता है, ये उसका मार्ग निर्धारित है, लेकिन किन्हीं कारणों से यदि वह निर्धारित मार्ग को छोड़ करके किसी अन्य अंगों में माइग्रेशन करके पहुंच जाता है तब उन अंगों में वह जीवित नहीं रह पाता है। अर्थात वो यदि लीवर, हार्ट
से होते हुए लंग्स के अलावा वो कहीं और पहुंच जाता है तो वो जीवित नहीं रह पाता है, और जीवित न रहने का कारण ये है कि इन निर्धारित मार्ग और अंगों के अलावा जो अन्य अंग होते हैं वो उस लार्वा के चारों ओर एक आवरण बना लेते हैं और इसी आवरण को कहा जाता है सिस्ट। तो सिस्ट के अंदर जब ये लार्वा घिर जाता है तो इसका विकास वहीं समाप्त हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है, वो जीवित नहीं रह पाता। तो इस तरह हम देखते हैं कि एस्केरिस का जो जीवन चक्र है वो मनुष्य में पूर्ण हो जाता है। क्योंकि इसे इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस तरह के जो लाइफ साइकिल है उसको हम मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इस चित्र पे हम उस पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं। यह मनुष्य के शरीर के बाहर मल के साथ आया हुआ एग है और इस एग के अंदर क्लीवेज की प्रक्रिया हुई, जिसके उपरांत एग के भीतर फर्स्ट रेब्लिटार्ड लार्वा का निर्माण हुआ। फर्स्ट रेब्लिटार्ड लार्वा में फर्स्ट मोल्टिंग की प्रक्रिया हुई और वो सेकेंड रेब्लिटार्ड लार्वा में विकसित हो गया। यह लार्वा इन्फेक्शियस होता है, संक्रमणकारी होता है, और यदि कंटीमिनेटेड फूड ड्रिंक्स आर बाय बाइटिंग नेल या पुअर सैनिटेशन के द्वारा मनुष्य के आहार नाल में यदि पहुंच जाता है तो पहुंचने के बाद इसमें हैचिंग की क्रिया होगी और ये फोर्थ रेब्लिटार्ड लार्वा है, ये जो सेकेंड रेब्लिटार्ड लार्वा है वो मनुष्य के इंटेस्टाइन में फ्री हो जाता है, और फ्री होने के बाद अब वो प्राइमरी माइग्रेशन करेगा, वो इंटेस्टाइन की दीवारों को छेद करता है, हिपेटिक वेन से होते हुए वो लीवर में पहुंचता है और लीवर से हार्ट को ब्लड पोस्ट केवल के द्वारा भेजा जाता है, इसलिए वो पोस्ट केवल वेन के द्वारा होते हुए मनुष्य के हार्ट में पहुंच जाता है और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वह मनुष्य के लंग्स में पहुंच जाता है, और लंग्स में पहुंचने के बाद उसमें मॉल्टिंग की प्रक्रिया होती है जिससे क्रमशः वो थर्ड और फोर्थ लार्वा में बदल जाता है, और ये फोर्थ लार्वा का आगामी विकास तभी होगा जब वह वापस मनुष्य के इंटेस्टाइन में लौट आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन से अपनी यात्रा प्रारंभ करके लीवर हार्ट से होते हुए वो लंग्स में पहुंच जाता है, यह प्राइमरी माइग्रेशन है। और ये जो फोर्थ लार्वा है जब ट्रेकियल सिस्टम से होकर के ट्रेकिया से होकर के मनुष्य के फेरिंग्स के द्वारा उसके इंटेस्टाइन में पुनः वापस लौट जाता है तो यह सेकेंडरी माइग्रेशन होता है, और इस फोर्थ लार्वा में अंतिम मॉल्टिंग की प्रक्रिया यहाँ पर होती है जिसके फलस्वरूप वो यंग एस्केरिस के रूप में विकसित हो जाता है, और समय के साथ ही साथ यह यंग एस्केरिस एडल्ट एस्केरिस में बदल जाता है, जहाँ कुछ समय के बाद वह सेक्सुअल मैच्योरिटी प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करने के बाद मेल और फीमेल दोनों प्रजनन करने लगते हैं और प्रजनन करने के पश्चात ये जाइगोट या एग रिलीज करती है। तो फीमेल जो है वो एग रिलीज करती है जो मानव मल के साथ होते हुए सॉइल में चले जाते हैं और इस तरह इनका जीवन चक्र मनुष्य में पूर्ण हो जाता है। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह से हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज। मैंने कहा कि क्लीवेज बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्पाइरल और डिटर्मिनेट प्रकार का होता है। दूसरा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेब्लिटार्ड लार्वा माइग्रेशन इन लार्वा ऑफ एस्केरिस। तीसरा प्रश्न, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस, ये निबंधात्मक प्रश्न है। और चौथा है, ड्रा वेल लेबल्ड डायग्राम ओनली डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस। ये सारी विषय वस्तु हमने जिस स्रोत से लिया है तो वो इस तरह से हैं।